दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों का वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। नगर पालिका सभागार में आयोजित शिविर में नगर के फल व्यापारियों ने हिस्सा लिया तथा उन्होंने अपनी समस्याओं से बैंक प्रतिनिधियों तथा लीड बैंक अधिकारी को अवगत कराया। सिटी मिशन मैनेजर उर्मिला बिष्ट ने बताया कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को योजना से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराई जा रही हैं। लीड बैंक अधिकारी शंकर सिंह दुप्ताल ने योजना के लाभार्थियों को बैंक संबंधी जानकारियां मुहैया कराई। एफएलसी महेंद्र सिंह गैरा सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी फल व्यापारियों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। आज हमारे वित्तीय साक्षरता कैंप है जो कि पीएम स्वनिधि के जो लाभार्थी हैं उनके लिए आयोजित किया गया है। और इसी तरह से हमने इस उसमें क्रम में जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनके पदाधिकारियों के लिए और पीएम स्टीन वेंडर के लाभार्थियों के लिए हम लगभग हमारे एक हफ्ते के ये कार्यक्रम रखे गए हैं जो कि हमारा आज तीसरा कार्यक्रम है। तो इसमें आज का कार्यक्रम हमारा बेसिकली जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के जो लाभार्थी हैं उनको वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए है कि वो किस तरह से अपना लोन लेके वापस करें और किस तरह से अगले लोन के लिए अप्लाई करें और क्या क्या सावधानियां उसमें रखें और साथ ही जो उनके अगर वो डिजिटल ऐप का प्रयोग कर रहे हैं तो डिजिटल लेन देन में उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए हमने जागरूकता कैंप रखा है। हाँ, इसके लिए जो है योजना है, हमने आज जो है इस नगर पालिका हॉल में तो सरकार की जो योजना है नगर पालिका की, जैसे अभी हम लोगों ने पीएम स्वनिधि की योजना के बारे में हमने लोगों को जानकारी दी। अभी तो पीएम स्वनिधि में जो है लाभार्थियों को जो फंड वाले व्यवसायी है तो इस पीएम स्वनिधि में जो है पहली वाली किस्त जो है 10,000 की, 10,000 की जो ऋण है नगर पालिका पीएम स्वनिधि के माध्यम से बैंक को 10,000 का एप्लीकेशन बैंक को दिया जाता है और बैंक जो है वो उसको 10,000 की फंड पैसाओं के लिए 10,000 का लोन लेकर और उसको अपना स्वरोजगार ये चलाएंगे। अच्छा, उसके बाद उसके सही ऋण अदायगी करेंगे तो दूसरी किस्त 20,000 का ऋण उसको पीएम स्वनिधि की ओर से बैंक स्वीकृत करता है। उसके बाद भी फिर 20,000 का ऋण उसको जो है समय से मासिक उसको अदायगी करेंगे तो उसकी तीसरी किस्त 50,000 रुपये उसको वित्त पोषित किया जाएगा पीएम स्वनिधि के अंतर्गत। तो इसमें जो है फंड व्यवसायी और स्वरोजगार को चलाने के लिए लाभार्थी को काफ़ी इसमें सहायक मिलेगा। तो उसके बाद समय से इसके अदायगी करेंगे तो उनको अच्छे जो है उसको स्वरोजगार मिलेगा, अपना कारोबार भी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ वो उसकी जो है सही समय से उसके अदायगी करेंगे तो बैंक उसको जो है और बढ़ावा देके उसको जो है उसकी आवश्यकता और उसकी परियोजना के हिसाब से बैंक को और अधिक लोन दे सकता है और देगा। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।